देखिए, ये बात आप सबको पता होगी कि अगर किसी हम लाइन को रोटेट करते हैं उसकी टेल के अराउंड, रोटेट करते हैं उसकी टेल को जो है पाइवोट करके अगर रोटेट करेंगे तो क्या बनेगा? थोड़ी रोटेट की तो यहाँ आएगी ये लाइन, दो चीज़ बनेगी, दो चीज़। पहली चीज़ तो बनेगी एंगल, ओके। फॉर एग्जांपल इसको 30 डिग्री रोटेट किया तो एक 30 डिग्री का एंगल बना। दूसरी चीज़ एक और बनेगी, सोच के बताओ क्या बनेगा? बनेगा एक आर्क ऑफ अ सर्कल, सर्कल का एक आर्क, देखो सर्कल का आर्क बनेगा ना। अगर हम इसको पूरा रोटेट करके वापस यहाँ पर ले आते हैं तो क्या बनेगा? यहाँ पर तो भी दो दो चीज़ बनेगी, एक चीज़ तो बनेगी सर्कल, एक फुल सर्कल बनने वाला है, एक सर्कल बनेगा, ओके। यहाँ अच्छे से सर्कल में बना नहीं पाया, ड्राइंग इतनी अच्छी नहीं है, सर्कल इतना अच्छा नहीं, चलो इससे बना देता हूँ मैं, तो बन जाए तो यहाँ से, ओके। तो ये देखो कितना अच्छा सर्कल बना दिया मैंने, बन जा। तो देखो ये बन गया एक सर्कल, ओके। तो किसी एक लाइन को हमने रोटेट किया उसकी टेल को पाइवोट करके तो दो चीज़ बनी, एक तो एंगल बना, दूसरा आर्क ऑफ अ सर्कल बना, ओके। और जब उसको पूरा हमने रोटेट कर दिया, कितना रोटेट कर दिया? पूरा, पूरे से मतलब 360 डिग्रीज, या फिर हम इसको कह सकते हैं 2π रेडियन। 2π रेडियन अगर इसको रोटेट कर दिया तो पूरा पूरा सर्कल बन जाएगा, ओके। तो हम एंगल को क्या जानते हैं कि एंगल वो एक चीज़ होती है कि अगर किसी एक लाइन को हम रोटेट करेंगे, रोटेट करने पर जितना उसका रोटेशन आया है उसको हम एंगल में मेज़र करते हैं, सिंपल सी बात है ना। अब कभी आपने ये सोचा है कि ये तो प्लेन सरफेस की बात हुई, क्या हम ऐसा 3D सरफेस या सॉलिड सरफेस के लिए भी कर सकते हैं? कभी आपने खरबूजा खाया होगा, या टमाटर ही ले लो, या फिर कोई भी ऐसी स्फेरिकल चीज़ ले लो, चलो आपने खाया होगा, ओके। स्फेयर के शेप में होती है वो, दिस इज़ एन स्फेयर, ओके। अब क्या हो कि अगर मैं आपसे बोलूं कि इसमें से एग्जैक्टली सेंटर को एंड पॉइंट बनाते हुए एक कोन काटो, कॉनिकल शेप में एक चीज़ काटो आप, तो आप जो है क्या करोगे, छुरी यहाँ घुसाओगे और बिल्कुल उस छुरी को घुमाते हुए एक इस तरीके का शेप कट के मेरे सामने आएगा, जिसको मैं यहाँ पर थोड़ा जो है जूम करके आपको बताता हूँ। इस तरीके से मेरे सामने आएगा, ओके। अब कभी सोचा है आपने कि किसी हम प्लेन सरफेस में तो उसके जो रोटेशन है या उसका जो कोन बन रहा है या उसकी जो नोक बन रही है उसको तो हम एंगल में नापते हैं, किसी 3D सरफेस को अगर नापना हो कि वो कितना कोन कटा है, किसी एक स्फीयर का कितना पार्ट कटा है, तो उसको किस में नापेंगे हम? तो उसको नापते हैं बच्चों हम सॉलिड एंगल में। सॉलिड एंगल इज़ वेरी इंटरेस्टिंग कंसेप्ट, अच्छे से समझना है आपको, समझ में तो आ ही चुका होगा, थोड़ी सी इसकी बातें कर लेंगे हम। और सॉलिड एंगल समझना इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि गॉस थ्योरम का प्रूफ सॉलिड एंगल को समझे बगैर नहीं आ सकता, ओके। देखिए अब मैं कंपैरेटिव स्टडी करवाने वाला हूँ। देखिए सॉलिड एंगल क्या होता है, समझ में आती है बात? किसी भी 3D सरफेस में से, ओके, उसका कोई एक हिस्सा कोनिकल, एक जगह उसकी जो है स्थिर करके उसका जो है गोल ऐसा शेप काटा जाए कि वो जो है कोन शेप में बन जाए, उसको कहते हैं सॉलिड एंगल, ओके। मैं अच्छे से अगर एक्सप्लेन ना कर पाया हूँ, अगर मैं अच्छे से डेफिनेशन ना बता पाया हूँ, लेकिन आपको समझ में तो आ चुकी होगी ये बात, ओके। तो देखिए जिस तरीके से हम ये जो प्लेन एंगल है उसको रेडियन में मेजर करते हैं, या डिग्रीज में भी करते हैं, बट उसकी स्टैंडर्ड यूनिट तो रेडियन होती है, इसी तरीके से ये जो सॉलिड एंगल होता है पूरा घुमा हुआ एंगल, इसको किस चीज़ में मेज़र हम करते हैं? इसको हम मेज़र करते हैं स्टे रेडियन। इसका सिंबल क्या होता है? जैसे इसका सिंबल हम वैसे थीटा लेते हैं, यहाँ पर इसका सिंबल जो है ओमेगा होता है। क्या होता है? ओमेगा। इसको जो है ओमेगा से रिप्रेजेंट करते हैं। जिस तरीके से जो प्लेन एंगल होता है, प्लेन एंगल का जो फॉर्मूला है अगर मैं आपसे बोलूं तो वो क्या रहेगा? वो रहेगा आर्क, जो भी एक आर्क है, डिवाइडेड बाय जो रेडियस ऑफ अ सर्कल है, रेडियस।
इसी तरीके से अगर मैं सॉलिड एंगल की बात करूं तो सॉलिड एंगल का फॉर्मूला हो जाएगा एरिया, ये जो एरिया है, डिवाइडेड बाय ये जो रेडियस बन रहा है ना, इस रेडियस का स्क्वायर, ये हो जाएगा सॉलिड एंगल का फॉर्मूला। अगर मैं आपसे पूछूं कि मैक्सिमम कितना होता होगा प्लेन एंगल, बताओ मैक्सिमम कितना होता होगा, मतलब किसी लाइन को हम कितना रोटेट कर सकते हैं, इतना कर सकते हैं कि वो जो है उस पर ही आकर टिक जाए, वो अलग बात है कि हम फिर उसके ऊपर भी कितना भी रोटेट करें तो 360 से भी ऊपर हो जाएगा एंगल। बट नेचुरली अगर हम सही बात करें कि एक बार हम उसको कितना रोटेट कर सकते हैं लाइन को, वो तो दूसरी बार हो जाएगा अगर हम उसको उसके ऊपर ले आए तो एक बार हम जो है 360 डिग्री रोटेट कर सकते हैं बस। ओके तो मैक्सिमम एंगल कितना हो सकता है, 360 डिग्री, 2π रेडियन। अब हमसे पूछा जाए कैसे आया ये बता दो, 2π रेडियन कैसे हो सकता है। ओके तो ये आर्क अपॉन रेडियस का फॉर्मूला लगा दो, मैक्सिमम आर्क क्या हो सकता है, सर्कल, सर्कल होता है 2π आर, डिवाइडेड बाय उसका रेडियस, डिवाइड कर दो उसको तो हो जाएगा 2π, इट्स अ मैक्सिमम। तो मैक्सिमम एंगल हो सकता है 2π। अब अगर आपसे पूछा जाए कि मैक्सिमम सॉलिड एंगल कितना हो सकता है, तो उसको निकालने के लिए भी एक फॉर्मूला ये वाला रख दो आप, एरिया बाय रेडियस का स्क्वायर। तो एरिया क्या हो सकता है, मैक्सिमम एरिया क्या हो सकता है, मैक्सिमम एरिया एक सरफेस, एक जो है स्फेरिकल सरफेस हो सकती है, फुल स्फेयर। तो स्फेयर का एरिया क्या होगा, जिस तरीके से ये मैक्सिमम एरिया, ये मैक्सिमम जो आर्क है वो फुल सर्कल हो सकता है, इसी तरीके से ये मैक्सिमम एरिया एक फुल स्फेयर हो सकता है। तो स्फेयर का जो है एरिया का फॉर्मूला, सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है 4πr². ओके इसको हम जो है आर स्क्वायर से डिवाइड कर देंगे तो ये जो है मैक्सिमम सॉलिड एंगल आता है। तो किसी भी सरफेस का मैक्सिमम सॉलिड एंगल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, 4π आता है। ओके मैक्सिमम सॉलिड एंगल 4π आता है। एक चीज़ और समझ लो यहाँ पर आप, कि अगर हम सॉलिड एंगल जिसको हम ओमेगा से रिप्रेजेंट करते हैं या ओम से रिप्रेजेंट करते हैं या ये ओमेगा से भी कर सकते हैं, ओके उसका अगर अपन इंटीग्रेशन करेंगे फुल, तो उसका आंसर 4π आएगा। इसका एक मतलब ये भी निकलता है, समझ में आती होगी बात ये। और यूनिट की बात तो बता दी, इसकी जो यूनिट होती है वो रेडियन होती है, मेन यूनिट इसकी जो है स्टे रेडियन होती है। अब इसके बेसिस पर हमें बहुत अच्छे तरीके से समझ में आएगी गॉस थ्योरम का प्रूफ, गॉस थ्योरम के प्रूफ में काम आएगा ये। तो दिस इज़ द कंसेप्ट ऑफ सॉलिड एंगल। अब हम शुरू करते हैं गॉस थ्योरम, गॉस लॉ। देखो गॉस एक जो है वही साइंटिस्ट का नाम है ना, तो गॉस अंकल ने जो है हमें एक लॉ दिया था, वैसे बहुत सारे लॉ दिए थे लेकिन अभी जो इलेक्ट्रोस्टैटिक में पढ़ना है वो एक लॉ दिया था गॉस अंकल ने। वो क्या लॉ था, वो कहा था कि अगर कोई एक क्लोज सरफेस है, वो कैसी भी हो सकती है, एक क्लोज सरफेस, कौन सी सरफेस, क्लोज्ड सरफेस, इस क्लोज सरफेस में कोई भी चार्ज है या एक से ज़्यादा चार्ज है, ओके तो वो चार्ज जो है अपने आसपास क्या करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करेगा। तो उसको इस लाइंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस से जो है मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, समझ में आती बात, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकलेगी, मतलब ये जो सरफेस है इस सरफेस से कुछ ना कुछ फ्लक्स बनेगा। तो ये टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स किसी भी क्लोज्ड सरफेस का, उन्होंने गॉस अंकल ने बताया था कि टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स 1/ε0 इंटू टोटल चार्ज, जितना भी उसमें चार्ज इनक्लोज्ड बाय द सरफेस, मतलब उस सरफेस के अंदर जितना चार्ज है उसका 1/ε कर दो, तो वो जो है टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बराबर आ जाता है उस सरफेस का, किसके बराबर आ जाता है, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स। चलो इसका हम जो है स्टेटमेंट लिख देते हैं। तो स्टेटमेंट क्या होगा, द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू एनी क्लोज्ड सरफेस इज 1 by epsilon टाइम्स द टोटल चार्ज प्रेजेंट इनसाइड द सरफेस।
तो इस सरफेस में जितना चार्ज प्रेजेंट है किसी भी क्लोज सरफेस में, उसका जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो 1/ε टाइम। ये कितना सिंपल कर दिया मतलब किसी भी चीज़ का इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना। ओके, अभी गॉस थ्योरम में पढ़ते क्यों हैं, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट एप्लीकेशन है इसकी। मतलब इससे हम बहुत आसानी के साथ में इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हैं किसी लाइन चार्ज के थ्रू, किसी प्लेन शीट के थ्रू या किसी स्फीयर के थ्रू। इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत आसानी के साथ में हम निकाल सकते हैं किसी पॉइंट पर। तो बहुत इम्पॉर्टेंट टूल है ये किसी भी सिमेट्रिक सरफेस की इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने का, बहुत ही इम्पॉर्टेंट टूल है। ओके, तो अभी अब छोटा सा हम बच्चों वाला बिल्कुल ले लेते हैं न्यूमेरिकल। ओके, तो मान लो दिस इज अ सरफेस S4, ये S1 एक सरफेस है। ओके, और एक सरफेस उसके अंदर वो है S2 और उसमें Q1 चार्ज प्रेजेंट है। एक सरफेस है सरफेस मतलब क्लोज्ड सरफेस बोलो है ना, क्लोज मानना अगर मैं बोलूँ। Q2 और Q3 चार्ज प्रेजेंट है और एक इस सरफेस में Q4 चार्ज प्रेजेंट है। तब मैं बोलूँ कि S3 है ना, ये S3 सरफेस का इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना होगा, S3 सरफेस का इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना होगा। ओके, तो बहुत सिंपल सी बात है, ये जो बाहर इस सरफेस के अंदर जो चार्ज है उससे मतलब है, गॉस थ्योरम क्या बोलती है, उस सरफेस के अंदर जितने चार्ज है उसको 1/ε टाइम से मल्टीप्लाई कर दो। तो इतना इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा S4 सरफेस का कितना होगा, जो भी चार्ज है उनको ऐड करो और डिवाइड कर दो एप्सिलॉन से, है ना। मल्टीप्लाई करेंगे 1/ε से तो वो सिंपल सी बात है, एप्सिलॉन नीचे आ जाएगा, एप्सिलॉन नॉट। ओके, तो बहुत सिंपल है, इस पर कई सारे सिंपल न्यूमेरिकल भी जो है बन सकते हैं, तो वो आप देख लेना। ओके, तो यहाँ पर हम जो है ले लेते हैं, चलो एक न्यूमेरिकल लेंगे तो ज़्यादा टाइम हो जाएगा, तो हम इसका प्रूफ ले लेते हैं। ओके, प्रूफ इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर बोथ दी बोर्ड्स, CBSE बोर्ड के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, MP बोर्ड के लिए भी प्रूफ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, MP बोर्ड के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, तो प्रूफ बताओ हमें इस चीज़ का कि ये गॉस थ्योरम सही है। तो देखिए, अब हम क्या करते हैं, चार्ज लिया हमने एक क्लोज्ड सरफेस, कैसी भी ले सकते हो आप, ज़रूरी नहीं है कि हम स्फेरिकल सरफेस लें। एक क्लोज सरफेस में एक चार्ज लिया मैंने क्यू चार्ज लिया। ओके, अब ये जो सरफेस है इसके थ्रू इलेक्ट्रिक फ्लक्स ये चार्ज जनरेट कर रहा है और वो कितना होगा, Q/ε0। ये होगा, गॉस अंकल ने बोला था, अब इसका हमें प्रूफ चाहिए। क्या चाहिए, इसका प्रूफ चाहिए। अब मैं क्या लूँगा कि एक जो है यहाँ पर एरिया ले लेता हूँ, कहीं भी एक छोटा सा एक एरिया मैंने लिया, ds बोल सकते हैं इसको, इस सरफेस का छोटा एरिया मैंने ds लिया, ये पूरी सरफेस है, इस एक छोटा सा एरिया मैंने ds लिया। ओके, और यहाँ से फिर मैंने जो है इसको जोड़ दिया और जो है मैंने क्या बनाया, एक सॉलिड एंगल बनाने की कोशिश क्यों बोल रहा हूँ मैं, ये तो बन गया सॉलिड एंगल, नहीं बनाने की कोशिश की। क्यों कोशिश की, क्योंकि सॉलिड एंगल जब भी बन सकता है जब ये जो एरिया है ना, ये जो रेडियस बन रहा है इसका, रेडियस हो अगर होगा तो इस रेडियस से क्या हो, बिल्कुल नॉर्मल होना चाहिए, परपेंडिकुलर होना चाहिए। ओके, वो जो सरफेस जो है ना, सरफेस का जो छोटा सा हिस्सा है वो स्फेयर का हिस्सा होना चाहिए, तो ये स्फेयर का हिस्सा तो नहीं लग रहा है, तो इसलिए जो है मुझे क्या करना पड़ेगा, ये जो सरफेस है, सरफेस एरिया जो है छोटा सा मैंने लिया है, उसका जो है रेडियस से ये जो रेडियस है इससे थीटा एंगल बन रहा है, तो मुझे रेडियस के डायरेक्शन में इस सरफेस का कंपोनेंट निकालना पड़ेगा। समझ नहीं आ रहा हो तो इधर देखो, ये सरफेस है। ओके, और इस तरीके से रेडियस जा रहा है और ये जो एरिया वेक्टर है उसका रेडियस से क्या बन रहा है, थीटा एंगल बन रहा है, तो मुझे रेडियस के डायरेक्शन में इस सरफेस का कितना कंपोनेंट गिर रहा होगा वो निकालना है, तभी तो मैं सिमेट्रिकली बना पाऊंगा इस एंगल को, जो सॉलिड एंगल मुझे पता लगाना है। समझ में आ रही है बात। ओके, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, ये सरफेस का इस डायरेक्शन में लेना पड़ेगा कंपोनेंट, वो आएगा ds cos थीटा। सिंपल सी बात है, बार बार हमने ये चीज़ सीखी है, ds cos थीटा। ओके, तो ds cos थीटा इज़ द सरफेस जहाँ से हमें जो है इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना है, ds cos थीटा।
और दूसरी वजह ये भी है वो सरफेस का जो है ये परपेंडिकुलर कंपोनेंट लेने की, कि ये जो चार्ज है इस चार्ज से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं वो परपेंडिकुलर निकलना चाहिए, बिल्कुल परपेंडिकुलर निकलना चाहिए सरफेस से, तभी तो हम फ्लक्स निकाल पाते। फ्लक्स क्या होता है? परपेंडिकुलर लाइंस ऑफ फोर्स परपेंडिकुलर किसी सरफेस से, सरफेस एरिया से निकल रही है। सिंपल सी बात है ना, कोई उसमें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो अगर हम इस छोटे से एरिया के लिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालें तो वो कितना निकलेगा? इलेक्ट्रिक फ्लक्स वो निकलेगा छोटा डी डी फाई ई निकलेगा इस सरफेस के लिए, वो कितना निकलेगा? अगर हम ट्रेडिशनल तरीके से निकालें तो वो निकलेगा जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो रही है डॉट उसका सरफेस एरिया का इंटीग्रेशन, है ना। सिंपल सी बात है, सरफेस एरिया का इंटीग्रेशन, इसका भी जो है इंटीग्रेशन करेंगे हम। चलो वैल्यू रख देते हैं हम, ई जो जनरेट हो रही है वो इससे वो हो रही है 1/4πε0 क्यू बाय यहाँ पर आर स्क्वायर डॉट डी एस। अब ये जो है कांस्टेंट है, क्योंकि रेडियस हमेशा कांस्टेंट रहेगा। ये जो सरफेस ली है उससे जो है रेडियस कांस्टेंट रहेगा, क्योंकि ये पूरी जो सरफेस जब हम क्लोज करेंगे इसको तो ये स्फेयर बनेगा, और स्फेयर का रेडियस रेडियस हमेशा कांस्टेंट होता है। तो अब क्या करेंगे, 1/q/4πε0 आर स्क्वायर को बाहर निकालेंगे, क्योंकि कांस्टेंट है, कांस्टेंट का इंटीग्रेशन नहीं हो सकता। ओके, और इसका जो है हम इंटीग्रेशन करेंगे लाइन इंटीग्रल। देखिए लाइन इंटीग्रल ये नई चीज़ नहीं है, सिंपल सी चीज़ है, कोई भी क्लोज्ड सरफेस का इंटीग्रेशन करते हैं उसको लाइन इंटीग्रल बोलते हैं। ओके, तो सिंपल सी बात है। अच्छा, इसको जो है हमने डी एस डॉट डी एस लिया था, डॉट हटाएंगे मल्टीप्लाई का साइन लगाएंगे तो डी एस कॉस थीटा हो जाएगा। ये सिंपल सी बात है ना, डी एस कॉस थीटा हो जाएगा। और ये आर स्क्वायर भी बाहर नहीं निकाल रहे हैं हम, आर स्क्वायर भी अंदर रहने दे रहे हैं। क्यों रहने दे रहे हैं अभी समझ में आती है बात, आएगी बात अभी समझ में। एप्सिलॉन नॉट लाइन इंटीग्रल ऑफ, अच्छा ये क्या चीज़ है, अगर आपको थोड़ा बहुत भी अभी मैंने जो समझाया था सॉलिड एंगल के बारे में अगर पता है तो आप फौरन कह दो कि दिस इज़ अ सॉलिड एंगल। कोई भी सरफेस एरिया डिवाइडेड बाय आर का स्क्वायर सॉलिड एंगल होता है। तो ये सरफेस एरिया ही तो है, ये आर कॉस थीटा क्या, ये डी एस कॉस थीटा क्या, सरफेस एरिया, ये एरिया डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर, ये होगा सॉलिड एंगल। इसको हम जो है डी ओमेगा से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ओके, तो इसको हमने डी ओमेगा लिख दिया बिकॉज दिस इज अ सॉलिड एंगल का फॉर्मूला बन रहा है इस वजह से। ओके, अब सॉलिड एंगल जो है उसका जो है हम इंटीग्रेशन करेंगे, पूरा गोल घुमाएंगे उसको, तो कितना आएगा, लाइन इंटीग्रल कर रहे हैं कितना आएगा, वो आएगा 4π, क्योंकि मैक्सिमम सॉलिड एंगल जो है वो होता है 4π। 4π से 4π यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो निकल कर आया हमारे सामने वो आया q/ε0। यही तो गोस साहब ने बोला था, ये बात नहीं बोली थी क्या गोस अंकल ने? तो गोस थ्योरम यहाँ पर प्रूफ हो जाती है। बहुत ही शॉर्ट एंड स्वीट वे में मैंने गॉस थ्योरम समझाने की पूरी कोशिश करी, और ये डेरिवेशन जो है बिल्कुल जो है इम्पॉर्टेंट है, इसको आप रट लीजिए। और अगर एमपी बोर्ड की बात करें तो डायरेक्ट क्वेश्चन बन के आ जाता है कि प्रूफ, गॉस थ्योरम का प्रूफ। तो आज हमने क्या क्या पढ़ा देखें आप, गॉस लॉ के बारे में पढ़ने से पहले हमने एक सॉलिड एंगल के बारे में जो है इंट्रोडक्शन लिया, सॉलिड एंगल के बारे में समझा, उसके बाद में गॉस लॉ पढ़ा, और गॉस लॉ जो है उसका प्रूफ हमने पढ़ा है। तो थोड़ा इससे जो है लेक्चर को या हमारी वीडियोस को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए, या कमेंट में आप कुछ ना कुछ लिखें उसके लिए, आज का एक क्वेश्चन मैं आपको देता हूँ। क्वेश्चन में देता हूँ आपको, क्वेश्चन बड़ा सिंपल सा है, कैलकुलेट द, ये 59th क्वेश्चन देखेंगे आप, कैलकुलेट द फ्लक्स विच विल ओरिजिनेट्स फ्रॉम चार्ज ऑफ 100 कूलम। 100 कूलम चार्ज से कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है ओरिजिनेट होगा? तो आपके पास चार ऑप्शन है, ए बी सी एंड डी, ये चारों ऑप्शन हैं, इन चारों ऑप्शन में से एक ऑप्शन इसका सही है। तो आप जो है कमेंट में बताइए सॉल्व करके कि ये कौन सा ऑप्शन इसका सही हो सकता है। 59th क्वेश्चन ही करना है अभी आपको, और नेक्स्ट वीडियो में हो सकता है हम कुछ न्यूमेरिकल इस पर ले लें या कुछ डेरिवेशंस ले लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग फॉर दिस वीडियो, इस वीडियो को शेयर कीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।